ये रेस में सबसे पहले तो थैंक यू, आपने जो कॉम्प्लीमेंट किया उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमको, हमारी फिल्म को, हमारे ट्रेलर को, हमारे गानों को, तो अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, ये फिल्म जो है वो रेस खाली नाम ही है जो मैच करता है, बाकी सब कुछ अलग है। पहले की दो रेस है उससे, इसके अंदर स्टारकास्ट पूरी नहीं है, इसके अंदर स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट है। पहले दो भाई की कहानी थी, इसके अंदर पूरी फैमिली की कहानी है। फ्लेवर सेम रहता है, यही ट्विस्ट एंड टर्न्स है काफ़ी फिल्म के अंदर। बहुत सारे, हर हर दो सीन के बाद एक नया चैप्टर ओपन होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड किसको ट्रस्ट करे, किसको ट्रस्ट नहीं करे। तो फ्लेवर सेम है फिल्म का, खाली उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, एक अलग कहानी की कहानी बताने की कोशिश की है। तो आपके कैरेक्टर किस तरह का है इस फिल्म में, उसके बारे में जरा हमें बताइए, किस तरह का कैरेक्टर आपका? ये जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है वो बहुत ही डार्क है। मतलब संजना स्टार्ट्स ऑफ एज अ वेरी डार्क पर्सन, बट टुवर्ड्स द एंड वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ चीज़ें ऐसी पता चलती है जो कि उसके साथ गलत हुई है, उसकी फैमिली में चीज़ें गलत हुई है। तो वो जानबूझ के बुरी नहीं बनी, उसको बुरा बनना पड़ा। सो डेजी, देखा कि आप डांसिंग में तो बहुत ही पसंद किए जाते थे, आप एक्टिंग में भी बहुत पसंद, लास्ट में ये एक्शन वाला सीक्वेंस आप नजर आई, वो क्या बात थी, उसके बारे में जरा हमें बताइए। वो एक्चुअली करने में हमें बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि हर कोई जानता है कि हर फिल्म के अंदर जो फीमेल एक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली सीन्स कुछ होती है उसके अंदर और गाने होते हैं, पर ये एक फिल्म रेस एक ऐसा जॉनरा है जिसके अंदर लड़कियां जो है उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनको इक्वली प्रेजेंट किया जाता है, जितना ही प्रेजेंटेशन लड़कों को देते हैं। सो दिस फिल्म इज़ नॉट अबाउट ओनली एक्टर एक्टर, इट्स अबाउट परफॉर्मेंस। इसके अंदर लड़का या लड़की को ऐसे बाइफर्केट नहीं किया गया है कि लड़के हैं तो खाली लड़के यही करेंगे, लड़की है तो खाली यही करेगी। सबको इनकॉर्पोरेट किया गया है, सबको एक साथ लाया गया है और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। सो स्टंट भी हमने सुना आपने खुद से किए, तो उसके बारे में जरा बताइए, कुछ इंजरी हुई, कुछ क्या हुआ आपको? वो एक्चुअली डेलिबरेट डिसीशन था, मुझे खुद से करने थे सारे स्टंट्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन फिल्म में ज़्यादा करने मिलती है नहीं लड़कियों को, और जब करने मिले तो पूरी तरह से कसर निकाल लो, मेरा ये मानना है। तो हाँ, इंजर हो गया था, मैंने अपना एंकल फ्रैक्चर कर लिया था प्रैक्टिस करते टाइम, और इसलिए हमको जो मेरी और जैकलिन का जो फाइट सीक्वेंस है उसको हमको पोस्टपोन करना पड़ा था करीबन 1 महीने के लिए। पर अच्छा हुआ, क्योंकि जब हमने 1 महीने बाद शूट किया तो उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया, हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए। सो जब फर्स्ट डे आप स्टेज पे पहुंचे, क्या माहौल था, क्योंकि मल्टी स्टारर फिल्म है तो कुछ अलग ही माहौल होता है सेट का, क्या माहौल था फर्स्ट डे जब आप पहुंचे सेट पे? सब पहले दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक दिस इज द रेस इज़ लाइक अ फाइनल एग्जाम फॉर मी, राइट? आई हैव टू गिव इन माई 200%। आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम लुकिंग गुड, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम डिलीवरिंग राइट, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर परफेक्टली। तो काफ़ी सारे दिमाग में वो क्वेश्चंस थे, प्लस एक स्ट्रेस सिचुएशन भी होती है कि यार अगर ये नहीं हुआ तो इसके बाद तो समझ लो कि गई पूरी तरह से नहीं है, तो वो एक फैक्टर भी था दिमाग के अंदर। बट थैंक्स टू आर डायरेक्टर रेमो सर, ही मेड थिंग्स सो ईजी फॉर मी, इनफैक्ट फॉर एवरीबडी। फिल्म के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं, स्पेशली अनिल सर, जब मुझे अनिल सर के साथ एक सीन करना था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर नहीं बोल सकती, पर फटी पड़ी थी बुरी तरह से कि पता नहीं मुझसे ये सीन होगा कि नहीं, क्योंकि अनिल कपूर सर सब जानते हैं कि उनका ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड रिलेटिवली अ वेरी न्यू पर्सन इन एक्टिंग, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट। बट अनिल सर ने इतना कंफर्टेबल बना दिया सीन हमारे लिए, क्योंकि इट वॉज हिम, जैसे वो सेट पे आए तब उन्होंने कहा कि चलो 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 चलो, हम लोग ना रिहर्सल करेंगे अभी, उसके बाद हम शूट करेंगे।
तो बहुत कम ऐसे एक्सपीरियंस करने मिलते, कुछ ऐसे एक्टर्स होते जो बहुत कम होते जो अपने को एक्टर्स को कंफर्टेबल फील करवाते हैं। तो वो एक सीन जब आसानी से निकल गया उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अरे अभी हो जाएगा, अब हो जाएगा। बॉबी सरवी के साथ में वो भी हाँ बड़े सीनियर है, तो उनके साथ कैसी कॉन्वर्सेशन रही किसी? सी आई टेल यू, बॉबी के साथ ना मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी तो मैंने बॉबी के साथ काफ़ी गाने किए थे, तो एक मतलब वो एक पर्सनल लेवल पे बात करना प्रॉब्लम नहीं था उनके साथ। अगेन पता है कि अगर कहीं कोई सीन में गलती भी कर दी तो बॉबी को पता, बॉबी वन मोर प्लीज मेरे लिए, मतलब वो एक रैपो उनके साथ बिल्ड हो गया था। पर जब एक्चुअली कोई भी एक्टर हो इसके अंदर, अगर वन मोर के लिए अगर हम बोलते थे तो वो लोग हैप्पीली ओब्लाइज करके हमारे साथ वो एक और सीन कर देते थे, वो हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए, उनको पता है कि उन्होंने अच्छा किया है पर हमको सेटिस्फैक्शन मिला है कि नहीं उसकी वजह से वो वन मोर कर लेते थे। सो या आई थिंक बॉबी एंड साकिब एंड जैकी एंड मी, हम चारों जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। जहाँ पे कुछ अनिल सर और सलमान सर को बोलना होता था, कोई मेरे केस में मैं थोड़ी हेसिटेट होती थी, पर इवेंचुअली वो भी नॉर्मल हो गया। तो सलमान सर के साथ एक्टिंग में तो आप नजर आए, तो एज अ प्रोड्यूसर किस तरह आपके साथ उनके रिलेशन थे, इनके बारे में बताओ कुछ, पिंच करते नहीं थे? एक्चुअली नहीं, सलमान सर का जो प्रोडक्शन है ही हैज़ अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर हु टेक्स केयर ऑफ हिज प्रोडक्शन। एंड तो सलमान सर अगर प्रोडक्शन उनकी टीम प्रोडक्शन टीम के साथ बात भी करते थे तो वो हमको भनक नहीं लगने देते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं क्या, बिकॉज ही आई थिंक दैट्स हाउ ही इज़, ही डिडन्ट वॉन्टेड टू स्ट्रेस अस आउट के अरे प्रोडक्शन में ये हो रहा है वो हो रहा है ये हो रहा है, सो ही केप्ट थिंग्स वेरी अवे फ्रॉम हिज एक्टिंग पार्ट। सलमान सर आपने काम भी अब स्टार्टिंग भी आपने उनके साथ ही की थी, तो क्या कुछ खास इम्प्रूवमेंट्स हुई उनके अंदर, उनके बारे में जरा हमें बताइए, क्या कुछ अच्छा लगता है उनके अंदर सलमान, मतलब मुझे समझा नहीं क्वेश्चन एक्चुअली, उनके क्या ग्रो किया उन्होंने अपने स्किल्स में हर एक चीज उनके या में, मेरे? या आपके? अच्छा सलमान सर ने ना हमेशा मुझे सपोर्ट किया है किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, उन्होंने हमेशा ये मतलब मुझे बहुत बहुत लाते मारी है पर खाली इसीलिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। तो और जब हम जय हो कर रहे थे तब उन्होंने मुझे काफ़ी सारी एडवाइस दी थी, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बताई कि एक्टिंग के अंदर कैसे क्या होता है, किससे कैसे बात करते हैं, ये कैरेक्टर को कैसे प्ले करते हैं, इसको कैसे इमोट करते हैं। पर रेस के अंदर जो एक एडिशन था वो था एक्शन, जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया था। तो उसके अंदर जब हम रिहर्सल्स करते थे, जैसे मैं जाकी साकिब हम लोग जब भी एक्शन की रिहर्सल्स करते थे तो सलमान सर हमेशा रहते थे प्रेजेंट और हमको गाइड करने के लिए कि ये किक कैसे मारनी है, ये इसको पंच ऐसे करना है, या अगर वो आपको आपको पंच कर रहे तो आपका रिएक्शन कितना और कैसे होना चाहिए। तो वो थ्रू आउट थे हमारे ये फिल्म के पूरे प्रोसेस में, मतलब ऐसे नहीं कि ये एक फिल्म में ऐसे थे कि सलमान सर वो टाइम भी हमारे साथ थे जहाँ पे वो रिक्वायर्ड नहीं थे। तो रेमो सर कैसे कैसे डायरेक्टर हैं आप ही की तरफ से मैंने उनके? रेमो सर ना उनको एक भी बारी सेट पे भड़कते हुए नहीं देखा है, सेट पे या ऑफ सेट भी, जैसे हम लोग ने काफ़ी आउटडोर्स किए ये फिल्म के अंदर, तो फैमिली हो गई थी, मतलब 20 दिन हम लोग 20-25 दिन हम लोग अबू धाबी में थे, फिर उसके बाद हम लोग 2 हफ्ते बैंकॉक में थे, उसके बाद हम बॉम्बे में काफ़ी शूटिंग की है, उसके बाद हम लोग लद्दाख में थे 10 दिन के लिए। सो जहाँ भी गए हम सब साथ में गए, तो सुबह के ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक हम सब साथ रहते थे। तो डेजी एक एक एक्ट्रेस के लिए या एक एक आम इंसान के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करना, असिस्टेंट कोरियोग्राफर से फिर एक्टिंग में जाना, फिर उसमें महारत हासिल करना, फिर लास्ट में एक बड़े स्टार के साथ काम करना, कितना मुश्किल होता है, इस जर्नी को आप किस तरह देखते हैं? मेरा ये मानना है और ये एक्चुअली फैक्ट है कि लाइफ इज़ अबाउट चैलेंजेस हर फेज पे, मतलब बचपन जब से आप पैदा होते हो तब से आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। मेरे लिए चैलेंज ये नहीं था कि जय हो के बाद मैं क्या करूँगी, मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं जय हो तक पहुँचूँगी कैसे, उसके बाद तो जो होना वो हो जाएगा। तो आई थिंक ब्लेसिंग्स मेरे फैमिली मेरे पेरेंट्स की
और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे सलमान सर जैसे इंसान मिले मेरी लाइफ में, जिन्होंने मुझे एक लेवल से उठा के किसी और लेवल तक ला दिया. आगे ऑब्वियसली मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो लेवल को मैं और ऊपर कैसे लेकर जाऊँ. पर द बेस्ट पार्ट अबाउट इट के एक इंसान जो के मिलियंस लोग उनको प्यार करते हैं, वो अपना ट्रस्ट और बिलीफ मेरे अंदर डाले, एक डाला हुआ है, ठीक है. तो मैं वो इंसान को कहीं पे गलत प्रूव नहीं कर सकती हूँ ना, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि वो इंसान कहीं गलत हो मेरी वजह से. तो मैं आज मुझे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर एक बिलीफ है, वो खाली सलमान सर की वजह से है, क्योंकि वो मुझ में बिलीव करता है. तो डीजी जैसे रेमो डिसस है, वो तो सीरीज लेके चल रहा है एबीसीडी की। हाँ, आप एक बहुत ही खूबसूरत डांसर है, तो उन्होंने कभी आपकी ख्वाहिश पूरी की एबीसीडी की सीरीज अभी जरा में के क्या बोल दो हो? ना सो उनको. उसके बारे में जरा बताइए, कुछ क्या विशेष है आपकी एबीसीडी के लिए? रेमो सर ने अपना मतलब एबीसीडी हिज लाइक हिज फर्स्ट बेबी. तो और ABCD 1 और 2 दोनों ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है. मैं यही विश करूँ कि जो ABCD 3 है वो भी बहुत अच्छा बिजनेस करे. उसके अंदर वरुण है, कटरीना है, आई मीन वरुण इज़ अ फैब डांसर, कटरीना इज़ ऑल्सो फिनोमिनल डांसर, क्योंकि मैं जानती हूँ कटरीना कितनी मेहनत करती है वो और कितनी रिहर्सल्स करती है. सो ही इज़ गॉट द बेस्ट पीपल ऑन बोर्ड. सो डीजी, आपका एक डायलॉग भी बड़ा ही पॉपुलर हो गया, मतलब हर बच्चे बच्चे की जुबान पे हो। सो एक बार हमें वो सुनाएं और उसके बारे में जरा बताएं, क्या रिएक्शन आप देख रही हैं? रिएक्शंस इनफैक्ट हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा डायलॉग जो ये बिजनेस वाला डायलॉग है वो इतना बड़ा बन जाएगा और इतना वायरल होगा, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल डायलॉग. मतलब हम डे टू डे बेसिस पे ट्रेलर आने के पहले भी हम लोग यूज़ करते थे कि अरे तू अपने काम से मतलब रखना. नो वी से आई से दिस टू माई सिस्टर सेज दिस टू मी बिफोर द ट्रेलर एवर केम आउट. तो ये मेरे ख्याल से ये एक नोकझोंक होती रहती है भाई बहनों और बहनों बहनों के बीच में. पर ट्रेलर आने के बाद ये कोई और लेवल पे चला गया ऑल टुगेदर. तो आज ऐसा हो गया कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे शायद मेरे नाम से लोग नहीं जानते, पर मुझे मेरे डायलॉग की वजह से लोग जानते हैं. मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया उसे, मैंने कहा बिल्कुल कि आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. ये तो था ट्रेलर का डायलॉग, बट नाउ आर बिजनेस इज योर बिजनेस बिकॉज Race 3 इज रिलीजिंग इन 2 days. कितनी एक्साइटेड भी है, कितना नर्वस भी है मूवी, क्योंकि 2 दिन ही बाकी है। तो नर्वसनेस तो डेफिनेटली है, पर एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि जो बड़े फैक्टर्स है, दैट सलमान सर, अनिल सर, रेस, ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं हमारे फिल्म के, जो कि डेफिनेटली एक सर्टेन अमाउंट की ऑडियंस तक पहुंचने ही वाली है ये फिल्म. मतलब एक रीच जो है वो बड़ी है ऑलरेडी, तो वो एक विजिबिलिटी की बात हो गई. तो हाँ, हम विजिबल है, बट एज अ फिल्म मुझे पर्सनली कितना हेल्प करती है उसका नर्वसनेस है, कि इतने सारे लोगों के बीच में तुम आउटशाइन कैसे करोगे, या तुम्हारी प्रेजेंस फेल्ट कैसे होगी, या तुम नोटिस कैसे होगे एज एन इंडिविजुअल, वो नर्वसनेस है. आपने इसके पहले आप इसकी फर्स्ट सीरीज और सेकंड देखी थी आपने, Race 1 Race 2, तो कितनी पसंद आई थी आपको? Race 1 में तो मैं असिस्टेंट जी कोरियोग्राफर थी. तो Race 1 जब मैंने देखी थी, माई माइंड वॉज ब्लोन. मैंने कभी भी ये फ्लेवर की फिल्म पहले नहीं देखी थी हमारे बॉलीवुड में. सो आई थिंक अब्बास मस्तान सर आर द माएस्ट्रोज एट गेटिंग दिस काइंड ऑफ जॉनर बैक टू आवर बॉलीवुड. एंड Race 1 वॉज फैंटेस्टिक, Race 2 वॉज अमेजिंग, Race 3 मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है. हमने कल ही फिल्म देखी और हमको बहुत अच्छी लगी. एंड वी रियली होप, माई फिंगर्स आर क्रॉस के ऑडियंस को भी पसंद आए और उनको हमने जो काम किया है वो अच्छा लगे, उनके एक्सपेक्टेशंस तक हमने रीच किया हो, तो वी विल बी हैप्पी. सो लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. वो भले नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो, बट मैं जानती हूँ कि आज अगर मुझे लोग जानते हैं तो जो मीम्स आपने बनाए हैं शायद मुझे ट्रोल करने के लिए, पर वो मेरे मेरे लिए ही वर्क किया है. सो थैंक यू सो मच. आवर फिल्म इज़ रिलीजिंग Race 3 ऑन 15th of June. प्लीज़ गो एंड वॉच इट इन द थिएटर्स. वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक. थैंक यू सो थैंक मच। यू.